नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा रखती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं हम कुछ नए वाक्य और साथ साथ नकारात्मक वाक्य। ओके, बिल्कुल। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य देखे होंगे, लेकिन आइए अब हम देखते हैं कुछ नकार वाक्य यानी कि नकारात्मक, जिसमें आपको कोई भी वस्तु न होने का बोध होगा, कोई भी क्रिया न होने का बोध होगा। लेकिन कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस? तो प्रेजेंट टेंस से जुड़े हुए यानी वर्तमान काल से जुड़े हुए नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए शुरू करते हैं। पहला है, आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। तो ये नॉट की वजह से ये नकार वाक्य बन गया। ही डज नॉट प्ले बास्केटबॉल, वह बास्केटबॉल नहीं खेलता है। ओके, वह बास्केटबॉल नहीं खेलता है, उसे बास्केटबॉल खेलना पसंद नहीं है। जो भी आप कहिए, ओके, जो भी आप कहना चाहते हैं, लेकिन उसमें नॉट शब्द का इस्तेमाल आपको नकार वाक्य के होने का बोध करवाएगा। दूसरा सेंटेंस, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। वी डू नॉट वॉच टेलीविजन इन द मॉर्निंग, हम सुबह सुबह टीवी नहीं देखते हैं। ओके, हम सुबह टीवी नहीं देखते हैं। अगला वाक्य, माई ब्रदर डज नॉट वर्क ऑन वीकेंड्स, माई ब्रदर डज नॉट वर्क ऑन वीकेंड्स, मेरा भाई सप्तांत पर काम नहीं करता, यानी कि जब सप्ताह खत्म होने वाला होता है तब। द कैट डज नॉट लाइक वाटर, ओके, उसे पानी नहीं पसंद, बिल्ली को पानी पसंद नहीं है। द कैट डज नॉट लाइक वाटर, उसे पानी नहीं पसंद है। वी डू नॉट गो टू द जिम रेगुलरली, हम नियमित रूप से जिम नहीं जाते, जाते तो हैं लेकिन हर रोज जाते हैं ऐसा नहीं है, कभी कभी जाते हैं। शी डज नॉट एंजॉय स्पाइसी फूड, वो स्पाइसी फूड यानी तीखा मसालेदार खाना पसंद नहीं करती है। अगला वाक्य, He does not listen to music, वो गाने नहीं सुनता है। They do not live in his, okay, in this neighborhood, वह इस मोहल्ले में नहीं रहते हैं, या वह हमारे पड़ोसी नहीं है। अगर होता कि they are not our neighbors, तो वो हमारे पड़ोसी नहीं है, लेकिन वो यहाँ नेबरहुड में नहीं रहते, यानी कि वो इस मोहल्ले में नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ मज़ेदार नकार वाक्य। okay? तो आप अपना टारगेट आज का पूरा करना भूलिएगा मत। ओके, नकार वाक्य, सकारात्मक वाक्य, दोनों ही तरह के वाक्य अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से इंग्लिश में बात कर पाएंगे। तो आज का आपका टारगेट है ये बेस्ट 10 इजी सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।